कैसे हैं आप लोग? चलिए आज फिर हम बात करते हैं आज के सीरीज में। आज का वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, मन चाही चीज़ों को पाने का रहस्य। आज का जो विषय है, मन चाही चीज़ों को पाने का रहस्य। इंसान जो सोच सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। वाट एवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव। इंसान का दिमाग जिस चीज़ के बारे में सोचता है उसे वो हासिल कर सकता है। और आज हम इसी विषय पर, आज का हमारा जो विषय है यही है। मित्रों अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक पर हम वीडियो लेके आते रहेंगे। हर दिन हमारा प्रयास रहता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन वीडियो, सबसे बेहतरीन विचार आप तक पहुँचे। कहते ना, एक विचार भी इंसान के जीवन को बदल सकता है। जैसे एक घटना इंसान के विचार को बदल देता है, जीवन को बदल देता है, उसी तरह से एक विचार जिंदगी को बदल देता है। वन थॉट्स कैन चेंज ह्यूमन लाइफ। एक भी विचार अगर कहीं आता है और वो इंसान की जिंदगी को बदल देता है। एक साइंटिस्ट था, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, सफरचंद एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। और फिर एप्पल ऊपर से नीचे गिरता है तो उसके मन में एक सवाल आता है। और सवाल क्या था कि सफरचंद एप्पल सेब ऊपर से नीचे क्यों गिरा, नीचे से ऊपर क्यों नहीं गया? बस। और इसी विषय ने, इसी प्रश्न ने, इसी विचार ने पूरी दुनिया को बदल दिया, पूरे साइंस को बदल दिया। न्यूटन्स नाम के इस साइंटिस्ट ने एक ऐसे थ्योरी का इजाद किया जो आज आप देख रहे हैं ना, बहुत सारी वैज्ञानिक खोज इसी विषय पर, इसी विचार से की गई है। तीन तरह के लोग होते हैं मित्रों, तीन तरह के लोग होते हैं इस जीवन में, तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं 90% वाले, जिनको पता ही नहीं जीवन में क्या करना है, उनको कुछ नहीं पता है जीवन में क्या करना है, क्या करना है, क्या हासिल करना है, उनको कुछ पता नहीं है। वो आते हैं, पैदा होते हैं, जीवन यापन करते हैं और समाप्त हो जाते हैं। लेकिन और एक लोग होते हैं मित्रों, जो सोचते हैं कि भाई, जो स्ट्रगल करते हैं, जिनको थोड़ा सा लक्ष्य पता होता है, जो लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन वो लक्ष्य को पूरे करते करते, एक ही लक्ष्य को पूरा करते करते ज़िंदगी गुजार देते हैं। पूरी ज़िंदगी उनकी गुजर जाती है सिर्फ एक लक्ष्य को पूरा करते करते। और एक और इससे भी ऊपर ऊपर एक और एक जो 2% है, पूरे आबादी का 2% लोग हैं जिनको पता है कि जीवन में वो क्या चाहते हैं और वो उसे हासिल करते हैं। एक लक्ष्य को हासिल करते हैं, उसे पूरा करते हैं, दूसरा लक्ष्य बनाते हैं, उसे पूरा करते हैं, तीसरा लक्ष्य बनाते हैं, उसे पूरा करते हैं। और ऐसे ही करते 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 वो लाइफ में सबसे अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन बन जाते हैं, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, सबसे सफल पूर्वक इंसान बन जाते हैं। और वो अपने जीवन में सचमुच में जीवन को जीते हैं और फिर गुजर जाते हैं। मित्रों आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं, यही विषय है। देखिए क्या होता है, ये तीन जो प्रकार के लोग होते हैं ना, ये तीन प्रकार के लोग में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी, एक चीज़ कॉमन मिलेगी, जो असफल है, जो थोड़ा सा सफल है और जो अल्ट्रा सफल है, यानी जो अल्ट्रा सफल है। ये तीनों चीज़ों में, ये तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, किसी को विचार नियम का पता है, किसी को विचार नियम के बारे में थोड़ा पता है और किसी को विचार नियम के बारे में पता ही नहीं है। बस हम इन चीज़ों को बारे में हम नहीं जानते मित्रों, हमको पता ही नहीं है विचार नियम क्या है। आपको पता है हमारे दिमाग में कितने विचार आते हैं रोज? हमारे दिमाग में 60,000, कितने? 60,000 विचार ये दिमाग में रोज आते हैं, रोज आते हैं 60,000 विचार इस दिमाग में रोज आते हैं। और इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। तो 60,000 विचार आ गए तो 60,000 टाइप के बनने चाहिए? नहीं साहब, हम उसी चीज़ पर फोकस कर, जिस चीज़ पर हम फोकस करते हैं वही चीज़ वास्तव में बदलते हैं। जिस विषय पर हम फोकस करते हैं, जिस विचार पे हम फोकस करते हैं, मुझे 10th पास होना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये कंपनी चालू करना है, मुझे वो कंपनी चालू करना है, मुझे यहाँ पर पहुँचना है, जिस विषय पर हम बार बार फोकस करते हैं, जिस विषय पर हम बार बार फोकस करते हैं वही चीज़ हमारे लाइफ में आती है। जैसे कोई बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, या जिसको भावली, कोई बच्ची को भावली चाहिए, कोई बच्चे को कार चाहिए, छोटा सा कार चाहिए। अगर वो बार बार सोचेगा मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, भले ही उनकी परिस्थिति नहीं भी रहेगी लेकिन कार उनके जीवन में आ जाएगी, भावली उनके जीवन में आ जाएगी, रोबोट्स का जो खिलौना है वो उनके जीवन में आ जाएगा, मोबाइल उनके जीवन में आ जाएगा, क्योंकि बार बार विचार करते हैं। और इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है। इंसान, मेरे साथ बोलेंगे, बोलो इंसान विचारों से निर्मित प्राणी है, जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा, वैसा बन जाएगा। तो हम जैसा सोचते हैं मित्रों वैसा बन जाते हैं। इसलिए आप
हमेशा अपने विचारों को देखते रहिएगा, विचारों को साक्षी भाव से देखते रहिएगा, मैं क्या विचार कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत विचार तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि गलत विचार का प्रभाव ज़्यादा होता है और बहुत जल्दी काम करने लगता है, और सकारात्मक विचार को टाइम लगता है। क्लियर हो गया? तो हमेशा अपने विचारों को देखिए, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, और क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि आप बार बार फेल के बारे में सोचेंगे फेल हो जाएंगे, आप पास के बारे में सोचेंगे तो आप जिसके बारे में सोचेंगे वही हो जाएंगे। मैं केवल पांच इस वीडियो के माध्यम से मित्रों पांच चीज मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर कीजिए, आप चाहते क्या हो। अपने मन को क्लियर करना है, आप चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, आप क्या जिंदगी में हासिल करना चाहते हो उसको लिखिए। क्या करना चाहते हो? आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, आप नर्स बनना चाहते हैं, आप बनना क्या चाहते हो, अपने माइंड को सेट कीजिएगा मित्रों। दिस इज कॉल्ड माइंड सेट। तो पहला नियम क्या है? माइंड सेट। क्या नियम है? हाँ, तो पहला नियम है माइंड सेट, अपने माइंड को सेट कीजिएगा साहब, आप चाहते क्या हो। दूसरा, हमने एक डायरी बनाया हुआ है, इस डायरी में रोज लिखिए, या कोई भी आप डायरी ले सकते हो, रोज लिखना है कि आप जो चाहते हो उसको रोज लिखिए। मैं जिंदगी में 5 लाख रुपया चाहता हूँ, इस साल में 2025 तक मैं इतना करोड़ रुपया कमाना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरी कंपनी को मुझे ऐसे बनाना है, मुझे इतने सारे बच्चों का एडमिशन कराना है। आप चाहते क्या हो उसको लिखिए, आप चाहते हो क्या उसको लिखना है, उसको लिखना है। क्या करना है? उसको लिखना है, रोज लिखना है कि ये। उसी के साथ जब लिखते हैं ना तो उसको साथ धन्यवाद भी दीजिए, आई एम वेरी थैंक्स टू। किसको किसको धन्यवाद है? अपने मम्मी पापा को धन्यवाद दीजिएगा, अपने टीचर को धन्यवाद दीजिएगा, हर चीज़ को धन्यवाद दीजिएगा। जितना आप धन्यवाद देंगे उतना ही सपने आपके जल्दी पूरे होंगे, जितना धन्यवाद देंगे उतने सपने जल्दी पूरे होंगे, जितना धन्यवाद देंगे हाँ उतना जल्दी सपने पूरे होंगे। क्लियर हो गया? तो रोज धन्यवाद देना है, देंगे सवेरे उठ के, सबको धन्यवाद देना है, पानी को धन्यवाद देना है, खाना को धन्यवाद देना है, टेबल को देना है, लाइट को देना है, हर चीज़ को धन्यवाद देना है, टाइम को धन्यवाद, बुक को धन्यवाद, पेंसिल को धन्यवाद, बैग को धन्यवाद, हर चीज़ को, जो सर्टिफिकेट मिला है उसको धन्यवाद, जो कपड़े हम पहनते हैं उसको धन्यवाद, हर चीज़ को धन्यवाद देना है। देंगे सवेरे धन्यवाद देना है और लिखना भी है, और अपने सपनों को भी लिखना है, आप करना क्या चाहते हो, भले ही आपके दिमाग में बैठ गया लेकिन फिर भी लिखिएगा आप चाहते क्या हो। क्लियर हो गया? उसके बाद जो आता है यकीन कीजिए साहब, यकीन कीजिएगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ, मैंने जो सोचा है, संकल्प लिया है कि 2025 तक कम से कम 5 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आना चाहिए, उस पर यकीन कीजिए, यकीन कीजिए। आप जो खिलौना चाहते हैं, साइकिल चाहते हैं, बावली चाहते हैं, जो कुछ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं उस पर यकीन कीजिए साहब। जब यकीन करेंगे तो सबूत मिलेंगे, और सबूत मिलते ही यकीन पूरा पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो आता है विजुलाइज़ कीजिएगा, यकीन करने के बाद उसको होते हुए देखिए साहब, बैंक में पैसे जमा करने जा रहे हैं, निकालने जा रहे हैं, अकाउंट में वो पैसा देखिएगा, कोई चेक दिया है चेक पर देखिएगा, 5 करोड़ की राशि देखिएगा। आप जो हासिल करना चाहते हैं उसको विजुलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन टैलेंट। आपका इमेजिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको विजुलाइज़ कीजिएगा। क्या करना है? कल्पना शक्ति में लेकर आना है, आंखें बंद करके देखना है, आंखें बंद करके देखना है, अपने आप को डॉक्टर होते हुए, इंजीनियर होते हुए, वकील होते हुए, बिजनेसमैन होते हुए, आर्टिस्ट होते हुए, अपने आप को देखना है साहब, विजुलाइज़ की ताकत। और आखिरी का जो 5वां सिद्धांत है वो है एक्शन साहब, एक्शन लीजिएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो ज़िंदगी में भी कुछ काम होने वाला नहीं है। मैं कई बार लोगों को बुलाता हूँ मेरे मंच पर और मैं बोलता हूँ ये चेयर को आप सिर्फ सोच के हिला के दिखाइए, नहीं साहब नहीं हो सकता, उसको हमें उठाना ही पड़ता है। जब तक हम वो चेयर को उठा के साइड में नहीं रखेंगे चेयर हिलने वाला नहीं है, इसे कहते हैं एक्शन। जो सपने आपने देखे, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे वकील बनना है मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे पढ़ाई करना पड़ेगा, मुझे बिजनेसमैन बनना है तो मुझे पढ़ाई करना ही पड़ेगा साहब, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कुछ बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, जब आप विजुलाइज करते हैं, जब आप लिखते हैं, यकीन करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम सपनों के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, हम सपनों के नज़दीक आ जाते हैं। जब हम ये काम करते हैं तो हम सपनों के बहुत नज़दीक आ जाते हैं, सपनों के नज़दीक आ जाते हैं। तो ये काम करना ज़रूरी है, आज का विषय मित्रों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो जीवन में सोचते हैं वो सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। यम यम चिंतयते कामं तम तम निश्चयते प्राप्तम, जो
विषय के बारे में आप बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, उसे आप हासिल कर लेंगे। यम यम चिंतयते कामं तम तम निश्चेत्रे निश्चेते प्राप्तम। तभी तो आप निश्चय ही प्राप्त, जिस चीज के बारे में आप बार बार ध्यान लगाओगे ना, आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, आप ध्यान कीजिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड का रास्ता आपके सामने दिखाई देगा। तो ये पांच चीजें आज जो हमने बात किया मित्रों, ये सचमुच में काम करती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इसने काम किया है। आज के मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं ये चीज काम करती है। आज का विजुअलाइजेशन विज्ञान है। एक फिल्म भी आई थी द सीक्रेट, उसमें भी इसी विषय पर बताया गया है। तो हर चीज का निर्माण मित्रों दो बार होता है। पहले कहां पर होता है? मन में। पहले कहां पर होता है? मन में। सब लोग ऐसे हाथ करके बोलेंगे, पहले कहां पर होता है? मन में। और उसके बाद जीवन में। बोलो उसके बाद। हाँ, पहले मन में, फिर पहले मन में, फिर जीवन में। तो हर चीज का निर्माण दो बार होता है मित्रों, पहले मन में फिर जीवन में। और यही करते रहेगा मित्रों, आप सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। ईश्वर ने इंसान को ऐसे बनाया है कि वो हर चीज को सफल हो सकता है, जिसके बारे में वो सोच सकता है। लेकिन हम सोचते नहीं है साहब, हम सोचते नहीं, इसलिए हम सफल नहीं होते, सफल नहीं होते इसलिए हम रोते हैं। तो देखिए, आप लोग 90% में आते हैं कि 2% में आते हैं, आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप लोग 90% में आते हैं क्या 2% में आते हैं? 90, कैसे 90? 90 वाले तो असफल है। तो आप लोग 2% में आना है, जहां पर लोग सफल होते हैं, जहां पर लोग जो सोचते हैं उसे वो हासिल कर लेते हैं। तो मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, इसी विषय पर मुझे बात करना था, मुझे तब तक आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद।